अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे लग रहा है सब्जियां भी लगी हुई हैं, कुदरती है किसी ने। देखिए क्या लगा हुआ है, कुछ मिलता है यार? ये कोंगलू लगे हुए हैं इधर। वाओ, उतारो उतारो, गुड 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 गुड। और देखिए और देखिए, लगे हुए हैं तो निकाले निकाले। ये लगे हुए हैं यार, बस ठीक है ले हैं। तो के लाता हूं। आ जाए धोते हैं इनको, पत्ते पुत्ते काटे इनके ध्यान से। गुड गुड, बहुत ठंडा पानी और ये भी ठंडे हो गए। मुझे लग रहा है ये कोई देसी चीज है, इस वजह से मीठे भी होंगे। दिखाएं? ऐसे ही है, चेक करते हैं, चेक करके बताते हैं आपको कैसे है। जी ताहिर भाई। हाँ जी, ये आप जो है ना भाई के काम पे आ चुके हैं। जी जी, मेरे घर है सही आया था। चलो ये कितने हो गए? ये कौन सी जगह है जी ताहिर भाई, ये कौन सी जगह भाई? आप मालम जब आइए, आप अपने काम पे आए हुए हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा। और ये जाल के साथ ये दिखाएं ना आप, ये देखिए ट्राउट फिश, ओरिजिनल ट्राउट। ताहिर भाई, ये वाला जो फार्म आपका कितने अरसे से चल रहा है? ये भाई अभी खाने नहीं आते हैं, कुछ भी अभी देख रहा है मैं। हाँ अच्छा अच्छा, और ओके, अभी नए शुरू किया है। इस जगह बहुत प्यारी है ये। हाँ जी, ये ऊपर देखे ना, बहुत प्यारा व्यू है। ये फूल जब बड़ा होता है ना, तो इसके ऊपर से छील के इसमें से छिली निकाल। हाँ एक दरख्त पे सालाना कितने निकला चुनगी? ये बारिशों पे नसीब होता है। बारिश कम हो तो ज्यादा होता है? नहीं, कम हो तो कम होता है, बारिश ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अब आप ये देखे, अब ये देखे, आप ये समझते हैं कि अंगूर बेल पे होते हैं, हैं? ये देखें, ये अंगूर का पौधा है, ये कांटेदार, ये कांटेदार पौधा है, ये अंगूर है, ये पहाड़ी अंगूर है, हैं? ये देखें, पहाड़ी अंगूर है। हाँ यार गाइस, चेक करें गाइस, कम से कम ना इतना बड़ा, जो टॉफी अंगूर नहीं होता, हाँ, ये इसके जितना होता है ये वाला है। हाँ, और ये पौधा जो है ये पाकिस्तानी है, कोई और नस्ल है बाहर? नहीं नहीं, ये जंगली है, ये जंगली है, और ये इतना मीठा होता है कि आप शहद भी भूल जाएंगे। अच्छा जी, ये जो दो नंबर शहद बनता है इससे नहीं बनता? नहीं नहीं नहीं, दो नंबर शहद तो वो तो शीरा वगैरह और कलर वगैरह से बनता है, लेकिन अगर इससे बनाए ना, इससे देसी चीज बड़ी अच्छी बनती है। देसी क्या? यहाँ के लोग जो देसी पीते हैं ना शराब। हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो इसकी बड़ी अच्छी बनती। अब ये फूल देखिए। हाँ जी, हाँ जी, देख लिया। इतना छोटा फूल आपने कभी देखा आज तक? नहीं जी, थैंक यू। गाइस ये देखिए, इसकी चमक ऐसी है जैसे प्लास्टिक का नहीं होता, आर्टिफिशियल जैसे हो, आर्टिफिशियल जैसे होता है। और उसके ऊपर वो चमकारा सा फेंक के जो, और इसके ऊपर देखें कीड़ा भी उसी कलर का घूम रहा है, ये छोटा सा। हाँ जी, ये भाई ये हमारे कैमरामैन जैसे बच्चे ना पैदा हो। ये जो पुदीना है, जंगली पुदीना, इतने पे बड़ा इधर दिखाएं, कैमरामैन इधर दिखाएं जरा, ये देखिए जी, जो गुलिस्तान होटल है ना, मालम जब जाते हुए रास्ते में
ये ताहिर हिस्टोरिक है, ठीक है, और आप जूम करके दिखा सकते हैं वो खड़े हैं ताहिर पे, वो स्पेशल हमारे लिए ट्राउट तैयार करवा रहे हैं, मेकअप करवा रहे हैं ट्राउट को। हाँ जी, मुजरा होगा, मुजरा ट्राउट का मुजरा होगा। सलाम, ये झरना सूख गया होगा। अच्छा, ठीक है, ये अब जब बर्फबारी होगी ना इस इलाके में दिसंबर में जनवरी और फरवरी, उसके बाद जब धूप पड़ेगी और ये बिल्कुल जो है ना आपको एक नाले का समा बना हुआ नजर आएगा, जोरों से पानी इतना आता है कि आप उसमें पांव रख के खड़े नहीं हो सकते, स्लिप हो जाता बंदा, जैसे अभी मैं यहाँ पे हो रहा हूँ। तो डोई रख के बैठ सकते हैं? नहीं, डोई रख के आप बैठ सकते हैं, पत्थर में कहीं बंदा पांव फंसा फंसो गए ना, लेकिन ये होता है कि इस जगह पे ना अब वहां पे आप बैठ सकते हैं, वो लोकेशन जो यहाँ पे पाइप नजर आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि वहां से वो गहरा नहीं है, यहाँ पे नहीं बैठ सकते, पानी की स्पीड ज्यादा होती है, दूसरा ये गहराई में है थोड़ा, ठीक है, और मुझे वहां पे कुछ महसूस हो रहा है, वो क्या? मुझे लग रहा है मछली है। नहीं, मछली नहीं है, बच्चे हैं इसके। वो किसी ने शॉपर के निकाला। अब ये देखिए, ये आप नजर आ रहे हैं, अब आप बताएं कि इस पहाड़ी पे कौन बंदा प्लग चेंज करता है? यहाँ पे पहाड़ी पे कौन हेलीकॉप्टर तो नहीं उतारते जगह उसके लिए सीधी? नहीं नहीं, ये हेलीपैड, ये नहीं है हेलीपैड, वो है हो सकता है, हो सकता है हेलीकॉप्टर भी ना, वो छोटा है, मिनी हेलीकॉप्टर है ताहिर भाई के पास। ये वाला जो ये पुदीना है इतना बड़ा बड़ा? नहीं, ये पुदीना नहीं है, ये ना पौधा है यबन कटुल्लू। यबन कटुल्लू? हाँ जी, यबन कटुल्लू पौधा है। फल भी लगता है? फल पौधा? नहीं नहीं, ये सिर्फ डेकोरेशन है। ये यबन कटुल्लू है जी, और वो तीर पटल्लू है, ये जो आगे वाली, ये बारीक पटोवन है, और ये वाली जो ये साथ वाली, ये जड़ी जंगली बूटी है। अच्छा, जंगली बूटी? हां, ये जंगली बूटी है। ये देखिए, मुझे लग रहा है जैसे चीता हो रहा है नहीं, ये एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट का। ये जूम करके दिखाएं, ये एलिफेंट का बच्चा यहाँ पे एक होता है ऊपर ना, एलिफेंट रहता है, ठीक है, उसका छोटा बच्चा है, वो अक्सर यहाँ से गुजरता है, तो वो अपने लवाजमा छोड़ जाता है, लवाजमा छोड़ जाता है मेहमानों के लिए, अगर किसी को जरूरत हो तो वो ले सकता है, ठीक है। ये हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर? हाँ, हेलीकॉप्टर में यहाँ पे लैंड करना होता है। एक बंदे का हेलीकॉप्टर? नहीं नहीं, उसमें बंदा नहीं बैठता। हाँ, तो वाला? नहीं नहीं, वो रिमोट से उठता है ना, रिमोट वाला। हाँ, यहाँ से वो जो है फ्लाइट टेक ऑफ करता है और पूरा आप उससे व्यू ले सकते हैं। ये पहाड़ी छल्ली है इसलिए खाई नहीं जाती। हमारे पंजाब में आप देखे ना, वहाँ पे छल्ली भून के देते हैं, दाना मुँह में रखो और वो उसी वक्त चूरो चूर हो जाता है, ठीक है, उसका टेस्ट भी अलग है, यहाँ पे टेस्ट लेस है क्योंकि वो इन चीजों में से। ये आप दरख्त देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दरख्त हैं। हाँ जी, ये बहुत छोटे दरख्त हैं, लंबे लंबे भी छोटे हैं। छोड़ दें, ये कितनी ऊंचाई पे दरख्त है, हैं? इसकी ऊंचाई देखकर उस दरख्त की ऊंचाई देखो नीचे, ठीक है, हम जैसे जैसे ऐसे ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, वो और बड़े बड़े दरख्त होंगे, इनसे भी बड़े, उनके ऊपर बड़ी छलियां लगती हैं, असल छलियां उसपे लगती है, ये तो छोटे छोटे वहाँ पे छल्ले लगते हैं, छलियां यहाँ पे लगती है। ताहिर भाई ने क्या मंगवाया? ये दाल है, इसका क्या नाम है जी? ये दाल मांस मखनी। दाल मांस मखनी? और ये कोबरा का मुझे लग रहा है, जिस ऊपर से तो कोबरा। कोबरा ट्राउट? कोबरा ट्राउट, वाह यार, मजा आ गया, बहुत मजे का। और ये क्या भी? नहीं, इसके साथ फिश के साथ लगाने के लिए यार, चार का बहुत मजे की है बगैर। ये जी हमारे कर्मी साहब, ये सभी भाई के बड़े भाई जिनके 100+ पेट्रोल पंप है, तो हम आए हुए थे आज, हम आए थे मालूम जगह,
ये इधर ही थे तो इन्होंने फिर जो है ना बड़ा इस्तेमाल किया हमारे लिए, माशाल्लाह से मोहब्बत है इनकी। और ये जो है रेस्टोरेंट, क्या नाम है इसका रेस्टोरेंट? फिर आपको बता दें कैसे। कल जो है आगे का हमारा टूर है तो इंशाल्लाह वो भी बड़ा पसंद आएगा। नहीं भाई ये क्या है? ये ये सब आपकी चलिए चलिए, यानी बहुत भूख लगी हुई और शरीर। आप इसको मारते हैं, गोली मारते हैं तो उसके साथ आपने अल्लाह का नाम लेकर अगर फिर आपसे ये गुम भी किए कुछ देर बाद उसका सांस निकल के आपको मिल गया तो ये हलाल है, ठीक है। अल्लाह का नाम नहीं लिया तो ये फिर हराम है, ठीक है। अगर उसी टाइम लग गया और आपने पकड़ लिया फिर चाकू या छुरी गिरा दो तो वो फिर भी हलाल। ये कौन सी जगह? अभी हम किस जगह पे हैं? ये भाई हम मालम जब्बा 0 पॉइंट पे आए हुए हैं।